नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता नवाब मलिक और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब एनसीपी नेता नवाब मलिक डरे हुए हैं कि सरकारी मेहमान उनके घर पर आने वाले हैं, यानी जो महाराष्ट्र में घोटाले हुए हैं। नवाब मलिक बखूबी तरीके से जानते हैं कि अब ईडी और आईटी की रडार पर वो आ सकते हैं, और यही वजह है कि नवाब मलिक की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकारी मेहमान जल्द ही उनके आवास पर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। उनका ये ट्वीट काफी सुर्खियों में भी आया, जिस पर बीजेपी के पूर्व सांसद क्रीड सोमैया ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि अगर आप पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में शामिल हैं तो सरकारी अतिथि आपके आवास पर नहीं आएगा, आपको सरकारी अतिथि बनना होगा। यानी आप ईडी और आईटी के दफ्तर जाएंगे, आपसे पूछताछ होगी। ये क्रीड सोमैया ने साफ तौर पर कहा, और जिस तरीके से पुणे वक्फ बोर्ड जमीन में घोटाला हुआ है उसका जिक्र भी क्रीड सोमैया की ओर से किया गया। क्रीड सोमैया के नवाब मलिक पर इन आरोपों के बाद, ये खुलासा करने के बाद, अब नवाब मलिक पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और नवाब मलिक ने क्रीड सोमैया के इस बयान पर, इस ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते एक बीजेपी नेता गिरफ्तार होंगे। हालांकि नाम क्रीड सोमैया का उनकी तरफ से नहीं लिया गया, लेकिन क्रीड सोमैया ने इस पर पलटवार किया और कहा कि मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। मैं नवाब भाई के इस बयान का स्वागत करता हूं। नवाब मलिक और महा वसूली अगाड़ी सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लिए भी तैयार हूं। तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है जो महाराष्ट्र में चल रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने तमाम आरोप लगाए हैं, उस पूरे मामले में नवाब मलिक को कोर्ट से बार बार फटकार लगी है, और नवाब मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिकंजा कस लिया है। 4 महीने तक वो समीर वानखेड़े पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद अब नवाब मलिक को ये डर सता रहा है कि अब वो ईडी और आईटी की रडार पर आ सकते हैं, यानी केंद्रीय जांच एजेंसियां अब उनकी छानबीन कर सकती है जिस तरीके से उनके घोटाले सामने आए हैं। पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से मस्जिद मदरसों की जमीन को कब्जा किया गया है, किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया गया है, ये तमाम बड़े खुलासे बीजेपी के एक नेता की ओर से ही किए गए थे। और इस पूरे घोटाले में नवाब मलिक फंसे हुए हैं। हाल ही में ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की थी। ईडी के रडार पर अब नवाब मलिक कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं, और गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है जिस तरीके से ये पूरा घोटाला सामने आया है। और इस पूरे घोटाले को लेकर ही क्रीड सोमैया की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया, और ट्वीट करते हुए लिखा गया कि नवाब मलिक फिलहाल ये कह रहे हैं कि सरकारी मेहमान उनके घर पर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि नवाब मलिक को मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी की गई है तो पूरे वक्फ बोर्ड घोटाला लैंड बेस में होगा आपका नाम। ये साफ तौर पर नवाब मलिक को क्रीड सोमैया की ओर से याद दिलाया गया है। लेकिन उसके बाद नवाब मलिक ने क्रीड सोमैया को घेरते हुए ये दावा किया कि दरअसल बीजेपी के एक नेता के खिलाफ अगले सप्ताह वो एफआईआर दर्ज करेंगे और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यानी खुली धमकी क्रीड सोमैया को दी जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होगी। आखिर इस तरीके से कैसे नवाब मलिक धमकी दे सकते हैं, किस तरीके से नवाब मलिक सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से मंत्री पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनके बयान साफ तौर पर बताते हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से बीजेपी नेता क्रीड सोमैया को उन्होंने धमकी दी है, और उन्होंने ये कहा है कि अगले सप्ताह उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। बल्कि इससे पहले आपको बता दें, नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को भी इस तरीके की धमकी दे चुके हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा चुका है कि दरअसल समीर वानखेड़े ने जो इस पूरे मामले में कार्रवाई की है उसका एक एक हिसाब किताब वो लेंगे। ये
कहीं ना कहीं खुली धमकी जो है वो नवाब मलिक की ओर से दी गई थी। तो नवाब मलिक की जिस तरीके से बयान है वो अपने आप में नवाब मलिक की पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अब बचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, नवाब मलिक की ओर से ये भी कहा गया है कि ईडी द्वारा महाराष्ट्र सरकार की मानहानि को रोकने की जरूरत है। किरीट सोमैया ने वफ बोर्ड जमीन घोटाले मामले में मेरे खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि अगले सप्ताह एक बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बयान है नवाब मलिक का जो साफ नहीं आया है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने यह भी कहा है कि नवाब मलिक को इस पूरे घोटाले में गिरफ्तार भी किया जाएगा, इस पर नवाब मलिक बौखलाए और उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल किरीट सोमैया का कहना है कि नवाब मलिक को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें नियुक्ति पत्र लेना चाहिए कि वे ईडी के प्रवक्ता बन गए हैं, ईडी को भी एक प्रवक्ता की जरूरत है, किरीट सोमैया को ईडी का प्रवक्ता घोषित किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से बौखलाहट जो है वो नवाब मलिक की सामने आ रही है। हमने देखा है कि किस तरीके से अलग अलग मामलों में महाराष्ट्र में तमाम मंत्रियों पर, तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा चुका है। ईडी की रडार पर कई मंत्री, कई नेता शामिल हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के कई मंत्री, कई नेता ईडी की रडार पर हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तमाम नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे सरकार में अब तक जो भी घोटाले हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपये के घोटाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है, जेल में बंद है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब, जिसको लेकर हाल ही में ये बड़ा खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से उन्होंने अवैध रिजॉर्ट का निर्माण करवाया है। और इतना ही नहीं, परिवहन विभाग में भी लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली की गई है। और इसके अलावा नवाब मलिक, जिसको लेकर पुणे वफ बोर्ड जमीन घोटाले में कई करोड़ रुपए का ये घोटाला है, जिसमें वो शिकंजे में फंसे हुए हैं। तमाम नेताओं के नाम सामने हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी तमाम नेताओं पर शिकंजा कस रही है। और इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे सरकार कितनी बौखलाई हुई है ये साफ तौर पर उनके बयान बता रहे हैं। एक तरफ संजय राउत ये कहते हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के तमाम नेताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इन दो सालों में सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है, किस तरीके से ये बड़े घोटाले किए गए हैं, तमाम जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं, मदरसे और मस्जिदों की जो जमीन है उसे भी नहीं छोड़ा गया है, और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नवाब मलिक कर रहे हैं, उन्हें मंत्री पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। और नवाब मलिक का डर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना सिर्फ पुणे वफ बोर्ड जमीन घोटाला, बल्कि इसके अलावा बीजेपी की ओर से जो खुलासा किया गया था कि कुर्ला में जो जमीन नवाब मलिक ने खरीदी है वो बेहद महंगी जमीन है, जिसे बेहद कम कीमत पर दाऊद के गुर्गो से खरीदा गया है। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के ये गुनहगार हैं, जिनसे नवाब मलिक और उनके परिवार ने ये जमीन खरीदी है। इस पूरे मामले में भी छानबीन होनी चाहिए। इसके अलावा कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें नवाब मलिक के बेटे डायरेक्टर बने हुए बैठे हुए हैं और उन कंपनियों के जरिए पैसों का लेन देन हो रहा है। तो ये तमाम बड़े खुलासे हैं जो बीते कुछ दिनों में बीजेपी की ओर से नवाब मलिक पर किए गए हैं। और किरीट सोमैया की ओर से जो ट्वीट किया गया है, जो उन्होंने वीडियो पोस्ट की है, उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि नवाब मलिक जो ये ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि उनके घर सरकारी मेहमान आने वाले हैं, लेकिन नवाब मलिक को ये याद दिलाया क्या है कि अगर पुणे वफ बोर्ड जमीन घोटाले में वो शामिल हैं तो आपको सरकारी अतिथि बनना होगा, यानी ईडी और आईटी के कार्यालय में पहुंचना होगा, वहां सवालों का जवाब देना होगा। और वो दिन दूर नहीं है जब नवाब मलिक पर भी शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि नवाब मलिक के घोटाले छोटे मोटे घोटाले नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपये के ये घोटाले हैं, जिसमें फिलहाल नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।